नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कि प्रेस कैसी रिपेयर होती है। हमारे पास ये कुछ प्रेसें हैं, ये तो ठीक हो चुकी हैं, अब ये बची है तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये प्रेस कैसे बनाई जाती है और इसके अंदर क्या क्या होता है। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और ये ओपन कैसे होती है। सबसे पहले इसका ये पीछे पेच है, इस पेच को खोलेंगे। पेच कैसे, ये हमने ओपन कर दिया है, ये पेच है इसका, ये हमने ओपन कर दिया है। दोस्तों, प्रेस रिपेयर करने से पहले हमें इसे चेक कर कैसे करते हैं, पूरी प्रेस खोलने से पहले इसकी लीड चेक कर लेते हैं। लीड कैसे चेक करते हैं, ये मैं आपको, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर सकते हो, जैसे कि ये हमारा मल्टीमीटर है और ये प्रेस की लीड है। हम इसे ऑन करके बर्जर पे ले आएंगे, ये हम इसे बर्जर पे ले आए, ये आवाज़ करेगा, देखिए ये। तो दोस्तों, एक तरीका तो ये है कि एक तार हम इस पे लगा के, ये देखिए, दोस्तों ये कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ये देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये लीड भी इसकी ख़राब है। चलिए हम एक बार उससे सीरीज बना के सीरीज से भी चेक कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज कैसे चेक बनाई जाती है। सबसे पहले सीरीज चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज बनाने के लिए हमें चाहिए एक होल्डर और एक बल्ब, और ये होल्डर पे हमने तार लगा दिया है। ये पूरी एक तार होल्डर में लग गई है हमारी, और ये तार लगा के ये इसके, ये मैंने अपनी सुविधा के लिए इसमें मल्टीप्लग लगाया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीरीज कैसे बनाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम ये होल्डर लगी हुई तार ले लेंगे एक, ये देखिए ये हमने लिया है एक होल्डर और बल्ब, ये तार लगा दी है। और अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, इसके बाद हमने एक टुकड़ा तार का लिया है, ये पूरी एक तार है, ये इसके दो सिरे हैं। दोस्तों, सीरीज बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये दो तार हैं, ये तार दो ये हैं, इसी के सिरे हैं, ये एक ही तार है। ये इस तार को हम होल्डर वाली जो हो, ये हमारी होल्डर की दो तारें हैं, तो इसे हम एक को होल्डर के साथ जोड़ देंगे। इस तार को ये हमने होल्डर के साथ जोड़ दी है। अब हमारे पास एक ये वाली तार, इसकी तार और एक बल्ब होल्डर की तार, दो तारें बची हैं। ये दोनों तारों को हम मेन पे डाल देंगे, ये हमने मेन पे डाल दिया, ये देखिए, और ये हमारी सीरीज बन गई है। बस इतना ही करना पड़ता है। अब हम इसे सीरीज से चेक करके देखते हैं कि दोस्तों, ये हमने चेक करा, लेकिन ये देखिए ये आ रहा है, मल्टीमीटर बता नहीं पा रहा था, ये आया है। और ये देखिए, इस पर भी आ रहा है और इस पर भी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये तार ही ख़राब है आपकी। देखिए ये देखिए, ये लीड ख़राब है इसकी। एक बार इसे प्रेस ओपन करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये लॉक है, यहाँ पर हम इसे, ये लॉक है, इस लॉक को हम थोड़ा सा दबा के ऊपर ये आ गया हमारा, और इसमें एक नट यहाँ पर है,
ये देखिए हमने ये नट खोल दिया, ये हमारा नट खुल गया, ये हमारा नट खुल गया। ये अब एक नट इसमें पीछे साइड भी है। और दोस्तों इसको तो ये घुमाने वाला है, इसे हम खींच के थोड़ा हल्के हाथ से ऊपर, ये हमारा निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ढक्कन खुल गया। इसको भी खोल देते हैं। ये हमारी प्रेस ओपन हो गई है। अब हम पहले इस लीड को हटा देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले लीड चेक कर लेंगे सब कुछ हटा के। ये हमने लीड चेक करी, इसकी लाल तार खराब है, ये दोनों तारें खराब है इसकी दोनों तारें खराब है, ये लीड पूरी खराब है। नहीं, लाल वाली ठीक है और काली वाली इसकी, ये लीड की प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों एक बार प्रेस को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रेस हमारी ठीक है, बॉडी भी ठीक है इसकी, बॉडी पे कोई करंट नहीं है। दोस्तों एक बार इस प्लग को खोल के देखते हैं, क्या पता इसमें कोई दिक्कत हो। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी दिक्कत है इसमें। ये देखिए, ये तार जो है ये बिल्कुल गल गया है। ये देखिए तार टूटा हुआ है ये, तो इसमें यही प्रॉब्लम मुझे लगती है। दोस्तों हम इसके दोनों तारें अब छील के, इसमें कार्बन आ गया है और ये तार भी थोड़ा हल्की है, हम छील के फिर से इसे लगाएंगे प्लग में। दोस्तों ये हमने प्लग जोड़ दिया है, अब हम इसे इसी में जो है लगा देंगे। ये हमारा प्लग जुड़ गया है, अब इसको जो तार जैसे थी वैसे ही जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे हमने खोला था दो तार हैं, ये दोनों हमने जोड़ लिए। दोस्तों अब इस प्रेस को आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चेक करके देखते हैं। हमारा सीरीज ये है और ये हमने लगा के देख लिया। एक मिनट पहले इसका वो लगा के देखते हैं। ये ऑटो कट लगा के देखते हैं, ये हमने लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको घुमा के ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बल्ब जल रहा है। ये देखिए प्रेस का भी बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारी प्रेस ठीक है। अब हम एक बार डायरेक्ट लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रेस हमारी ओके है। ये देखिए दोस्तों, इसमें लीड की प्रॉब्लम थी, लीड ख़राब थी, तो हमें आगे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए, ये बल्ब जल गया है। दोस्तों अब हम इस प्रेस को वैसे ही कस देंगे।
एक हमने कस दिया है, तो दोस्तों ये हमारी प्रेस जो है ठीक है, तैयार है। ये देखिए इसमें लाइट जलेगी अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये लाइट जल रही है और ये प्रेस गर्म भी हो रही है। दोस्तों प्रेस ओके हो गई है हमारी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सर।